नमस्कार बंधुगण, मु हिमानी आपण मानक आम चैनल उत्कल भाइराल को स्वागत जनाऊँगी। आज आम यही भिडियो शंकर महात्म्य यह किपर पूजा करेंगे एवं क्यों शख कि प्रकार काम आसे जानवा ता पूर्व आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को चिपंतु नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमें जानवापी। मंदिर होती हेउ कि धार्मिक समारोह शंखर ध्वनि को बहुत शुभ मना जाए। मान्यता अनुसार पूजा पाठर समस्त कार्य तीन थर शंख फुंकी करी आरंभ होता है। मना जाए कि यह द्वारा वातावरण में सब प्रकार अशुद्धि नाश होता है, सबु प्रकार नकारात्मक ऊर्जार अंत होता है, जहाद्वारा व्यक्ति को बहुत भल लाभ मिलता है। शंखर ध्वनि ना केवल वातावरण शुद्ध होता है, देवता भी आम आड़क आकर्षित होता। मना जाए कि समुद्र मंथन समय बाहरी 14 रत्न भितर शंख भी गोटे रत्न थिला। धार्मिक एवं स्वास्थ्य दृष्टि शंख बहुत उपयोगी अटे। शंख बजाइले कुंभक रेचक एवं प्राणायाम क्रिया गोटे सांगे होइथाय, जहाद्वारा कि स्वास्थ्य ठीक रहिथाय। धार्मिक ग्रंथ में शंख को भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी प्रिय मना जाइछि, किंतु शैव मत शंखर पूजा वर्जित मना जाए, तेणु भगवान शिवंक पूजा शंखर प्रयोग करा जाए नहीं। शंख बजाइबा रखिबा एवं यार जलर उचित प्रयोग द्वारा बहु प्रकार लाभ मिलता है। एपरी मान्यता अच्छी कि जो घरे शंख थाए से घरे माँ लक्ष्मी बास करती। धार्मिक ग्रंथ में शंख को लक्ष्मी भाई कहुई, कारण लक्ष्मी पर शंख भी समुद्र रु उत्पन्न होती। शंख को एथपाई भी शुभ मना जाए, कारण माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु निज हाथ में यह धारण करती। वैज्ञानिक अनुसार शंखध्वनि द्वारा वातावरण में केते प्रकार जीवाणु कीटाणु नाश होता है। घरे शंख को किपर पूजा करवा आसतु जाणी। शंख को प्रतिदिन 2 बजाइवा उचित। जदि आप शंख किणुं तेज 2 शंख आणतु और यही 2 को अलग अलग रखु। बजाऊ शंख को पानी से धोवा उचित और यह कौन से मंत्र अभिमंत्रित करे ना। शंख को पूजास्थल हलदिया कपड़े बांधिक रखिए। गोटे मंदिर में 2 शंख रखे ना। शंख को केवे भी शिवलिंग आखपाखे रखे ना। जदि भी रखते शिवलिंग को जमी छुईब ना। भगवान शिव को केवे भी शंखर जल अर्पण करेंगे ना। शंख को भगवान विष्णु लक्ष्मी बालगोपाला डाण पट को रखा उचित। शंख को माँ लक्ष्मी रूप मना जाए, तेणु शंख को पूजास्थल से ही आदर सह पूजा करवा उचित। सहजरे धन प्राप्ति पाई शंख को 108 चावल दाना सह लाल कपड़े बांधिकी धन थिबा स्थान रे रखिदेवे। कुहा जाए कि दक्षिणवर्ती शंख धनर देवी माँ लक्ष्मी स्वरूप अटंती। एथिपाई धनलाभ एवं सुख समृद्धि पाई घर उत्तर पूर्व दिगरे बा पूजा घरे यहाँ रखा उचित। प्रतिदिन यार धूपदीप करेंगे। पितृदोष प्रभाव बचापी दक्षिणवर्ती शंख में पा भरीक अमावास्या और शनिवार दिन दक्षिण दिग्क मुह कर तर्पण कले पितृ प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद दे था। जहाद्वारा गृह कलह कार्य बाधा सतानहीनता और धनर अभाव आदि समस्या मुक्ति मिलता है। जदि आपणकर जन्मकुंडली सूर्य नीच अच्छी सूर्य खराब फल प्रदान करे, प्रत्येक रविवार दिन दक्षिणवर्ती शंख में जल भरीक सूर्य को अर्घ्य देवे। यह छड़ा धनर अभाव रही विष्णु शंख को निज घर को आणतु। यही शंखर आकार अर्धचंद्राकार होता है, तेणु यह चंद्रशंख कहुए। शंखर जल भरीक श्रीसूक्त पाठ करी से जल को दुकान ऑफिस रे पकेले व्यापार रे उन्नति होता है। एवं जाणी शंखर भरी पानीर फायदा। शंखर राति सारा पा भरिकी 3 चम्मच सका खाली पेटर पीले कोष्ठकाठिन्य कब्ज परी कष्टर फायदा मिलता है। राति सारा शंखरे थिबा पानी रे सेतिके पानी भरिकी आखि धोइले आखि भल रही थाए। गाधोइबा परे शंख को स्किन उपरे हल्का घसिले स्किन ग्लो करिथाए। शंखरे राति सारा पानी भरिकी सकाळे सही पानी रे स्किन रो मसाज करंतु, चर्म संबंधी रोग रो फायदा मिलेबो। खास करी मोती शंख चर्म पई के बहुत भल अटे। शंख भितर विशेष शंख दक्षिणवर्ती शंखरे दूध भरिकी शाळग्राम अभिषेक करंतु एवं सही दूध को निसंतान महिला को पीवा को दियंतु। यह द्वारा तांको शीघ्र संतान सुख मिलता है। शंख बजाइवा व्यतीत एथिरे रखा जाइथिबा पानी भी केते रोगरे फायदा देथाय। शंखरे थिबा कैल्शियम एवं फास्फोरस जेपरी मिनरल स्वास्थ्य पाई फायदा देथाय। शंख बजाइवा द्वारा भोकालकड़ एवं थायरॉइड रे जड़ित प्रॉब्लम रो फायदा मिलता है। ब्रेन एवं पूरा बॉडी रे ब्लड सर्कुलेशन होता है। यही परी शंखर धार्मिक आध्यात्मिक एवं स्वास्थ्यगत फायदा रही। यही भिडियो एतिकी। भिडियोटी आपण को केमी लगला आमको कमेंट कर निश्चय जनइबे और भिडियो को लाइक सेयर करने को भूलें ना। धन्यवाद।